हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं वॉलपेपर हम कैसे सेट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रेडमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, आपको यहाँ पर क्या करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और वॉलपेपर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, आपको यहाँ पर क्या करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर भी है और इसमें भी दिए जा रहे हैं, ये भी है आपका, तो यहाँ पर मैं जिस पर क्लिक करता हूँ, डाउनलोड करना पड़ेगा, ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोडिंग हो रही है। इस तरीके से आपको डाउनलोड करना है और जैसे ही आपको डाउनलोड हो जाएगा तो अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेट एज लॉक स्क्रीन, यानी कि अपनी लॉक स्क्रीन पर आप इसको सेट करना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेट एज होम स्क्रीन करना चाहते हैं यानी कि होम स्क्रीन पर सेट करना चाहते हैं तो होम स्क्रीन पर कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेट बॉट यानी कि दोनों पे सेट करना चाहते हैं, होम स्क्रीन पर भी और लॉक स्क्रीन पर भी, तो आप बॉट पे क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका दोनों पे सेट हो जाएगा। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मुझे सेट नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि इस पर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको अप्लाई का डायरेक्ट आपका अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा और इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बैक करेंगे, बैक करने के बाद फ़ोन से क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है वॉलपेपर मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।